भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,10,234 पहुंच गई है। इतना ही नहीं, देश में पिछले एक दिन में 1,023 लोगों की जान भी गई है और अब कुल मौतों का आंकड़ा 60,472 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के सर्वाधिक 14,888 नए मरीज सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 7,18,711 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 295 और लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर महाराष्ट्र में अब तक 23,089 लोग अपनी जान इस महामारी से गंवा चुके हैं। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 1,693 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब तक कुल 4,347 मरीजों की मौत भी हो गई है। राजधानी में अब कुल 12,520 सक्रिय मामले हैं। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन कोरोना के आंकड़े अब बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।